ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। पिछले दो महीने से राज्य के राजनीतिक गलियारों में एनसीपी में फूट की चर्चा हो रही है। मुंबई में भारत अगाड़ी की बैठक भी चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि वहीं प्रहार संगठन के विधायक बच्चू कड़ू का भारत रत्न मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को सीधे कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान इस वक्त चर्चा में है। बच्चू कड़ू ने अपनी मांग को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया है और अब उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड लौटा देना चाहिए, नहीं तो कड़ा आंदोलन होगा। दो दिन पहले बच्चू कड़ू ने मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया था कि वह सचिन तेंदुलकर को कानूनी नोटिस भेजेंगे। बच्चू कड़ू ने सचिन तेंदुलकर के ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने पर आपत्ति जताई थी। भारत रत्न धारक को क्या विज्ञापन करना चाहिए, क्या विज्ञापन नहीं करना चाहिए, इस पर कुछ आचार संहिताएं हैं। इसीलिए अगर युवाओं को फिर से केवल पैसे के लिए विज्ञापन देकर इस ऑनलाइन गेमिंग का शिकार बनाया जा रहा है तो हम इसका विरोध करेंगे। बच्चू कड़ू ने आक्रामक मुद्रा में कहा कि अब वे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न लौटाने की मांग करेंगे। सचिन तेंदुलकर को नोटिस भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हम उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। एक भारत रत्न व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा कैसे दे सकता है, बच्चू कड़ू ने बेहद आक्रामक होकर यह पूछा। भारत रत्न मिळवलेला आहे, त्यांनी गेमिंग मध्ये जे काही जाहिरात केली ते अतिशय वाईट आहे। एखादा मोठा नेतृत्व जेव्हा अशा जुव्याची जाहिरात, त्याला काय म्हणते तुमच्याकडे जुव्याला अशा वाईट खेळाची जर ते जाहिरात करत असेल आणि त्याचा प्रभाव आमच्या युवकावर पडत असेल, त्याच्यामुळं घराच्या घर बर्बाद होत असेल, तर सचिन तेंडुलकरजींनी, त्यांच्याबद्दल आम्हाला आदर आहे पण ते भारतरत्न आहे, त्यांनी जर जाहिरातच करायची आहे 300 कोटी रुपये घेऊन, तर त्यांनी भारतरत्न वापस करावं नाहीतर जाहिरात करावी, दोनपैकी एक काही करावं। आणि ते जर केलं नाही तर आम्ही त्यांच्या घरासमोर जाऊन आंदोलन करेल, त्यांना भाग पाडू। आता उद्या आम्ही आंदोलनाची तारीख जाहीर करणार आहोत। मला वाटतं ते स्पष्टीकरण देऊ नाही देऊ आम्ही उद्या आंदोलनाची तारीख जाहीर करणार। मी आता राजकीय कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर देणार नाही। मी तेंडुलकरजी कांद्याच्या बाबतीत बोलेल पण तेंडुलकरजींच्या बाबतीत त्यांच्याबद्दल आदर आहे, पण 30 तारखेला उद्या आम्ही आंदोलनाची तारीख जाहीर करू। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।